वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। दोस्तों, माल्टा का मेरे पास अभी प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस आया है, जो कि उसमें मुझे कारपेंटर, मेंशन, हेल्पर, प्लम्बर, वेल्डर, ये बंदे चाहिए। स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी, दोनों इसमें वर्कर चाहिए। कोई भी अगर इसमें अप्लाई करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है, बाकी आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ जी सारी इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो माल्टा का वर्क परमिट है, यहाँ से आपका 3 मंथ का डी वीज़ा लगेगा और वहाँ जाके 1 साल की TRC एक्सटेंडेबल होती है, जो कि आप बढ़वा सकते हो। जहाँ पे काम करते हो एम्प्लॉयर के पास, वो आपकी TRC एक्सटेंड करता रहता है, ठीक है। मेनली वीज़े का मतलब क्या होता है कि जो अगर आपने TRC एक्सटेंड करनी है या TRC लेनी है तो एम्प्लॉयर के पास आप जाते हो, ठीक है। अगर आपने TRC एक्सटेंड नहीं करनी है या TRC आपने जाते हुए नहीं लेनी है एम्प्लॉयर के पास, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर मूव हो सकते हो, एम्प्लॉयर का रिस्क नहीं होगा। और इस पर क्या होता है कि आपको एक तो TRC नहीं मिलेगी अगर आप किसी और जगह चले जाते हो या कहीं और पे काम करते हो, वो आपकी टेंशन होगी, हमारा कोई रिस्क नहीं होगा। और अगर आप वहीं पे रुक के काम करते हो तो आपकी TRC बनेगी, आपके पेपर बनेंगे और आपका फुली जो होता है वो एक्सटेंडेबल TRC रहता है। तो उसमें मुझे दोस्तों जो कारपेंटर हैं उनकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 850 से 900 यूरो मिलती है उनको, ठीक है। प्लस फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी, 10 घंटे की ड्यूटी, ओवर टाइम एक्स्ट्रा और बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो लेबर लॉ के हिसाब से आपको दी जाएंगी। और उसमें जो वेल्डर हैं उनकी भी सेम कैटेगरी की सैलरी होती है 850 से 900। देखिए, डिपेंड ऑन वर्क, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर की 800 साढ़े 800 इतनी सैलरी लग जाती है। जो प्रोफेशनल बंदा है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर जिसको काम अच्छा आता है वो अच्छा कारीगर है उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। और जो कारपेंटर हो गया, मेंशन हो गया, वेल्डर हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, इनकी जो सैलरीज़ हैं वो 850 से 900 यूरो के बीच में रहेंगी। और हेल्पर की है जो सैलरी वो 700 से 800 के बीच में हेल्पर को सैलरी मिलेगी, ठीक है। और इसमें भी 10 घंटे का ड्यूटी होगा और ओवर टाइम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, कई बार नहीं लगता है, कई बार लग जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि ओवर टाइम हाफ ऑफ होता है, कि आपको कई बार लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, कई बार मंथली लगता है, ठीक है। डिपेंड ऑन वर्क की काम कितना है उस हिसाब से आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपका ओवर टाइम करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 3 से 3.5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता है। जो पेपर आते हैं उसके बाद स्टैंपिंग होती है, कई बार लेट हो जाता है क्योंकि डेट्स नहीं मिलती, एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो नहीं मिलती है, इसलिए काम लेट हो जाता है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो आपका पहले हो जाता है, ठीक है। तो माल्टा का वर्क परमिट है, हेल्पर है, इसमें मुझे फैक्ट्री हेल्पर चाहिए बंदे, ठीक है। और जो फैक्ट्री में क्या काम होता है कि कोई चीज़ पैकिंग करनी है, कोई लोडिंग अनलोडिंग करनी है, कोई आपने डिस्पैचिंग करनी है, कोई स्कैनिंग करनी है, ऐसे जो फैक्ट्री में काम होते हैं, ठीक है। तो हेल्पर का काम होता है सभी काम करने पड़ते हैं, कोई भी कहीं पे भी लगा सकता है। इंडोर काम होगा, आउटडोर कोई इसमें काम नहीं है, एक शेड के नीचे काम होगा सभी जो होता है। बाकी जो बाकी कारपेंटर हैं इनका इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। तो ये मान के चलिएगा कि बाहर भी है, अंदर भी है। और जो हेल्पर का है वो इंडोर काम है, आउटडोर नहीं है, ठीक है। ये कोई वो हेल्पर नहीं है कि आपको किसी कारीगर के साथ लगा दिया, वो आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि जो दूसरे हेल्पर हैं ये इंडोर वाले हेल्पर हैं। और कोई भी अगर इसमें माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहता है किसी भी कैटेगरी के लिए तो कांटेक्ट कर सकता है। इसमें मेरे पास मेंशन है, कारपेंटर, स्टील फिक्सर हो गया, वेल्डर हो गए, लॉकस्मिथ वाले बंदे हो गए, ठीक है, टाइल लॉकिंग हो गए। तो ये मुझे कारीगर बंदों की ज़रूरत है, हेल्पर भी इसमें चल जाएंगे। तो पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो, आपका CV, आपकी वर्किंग वीडियो, टेस्टेड का सर्टिफिकेट, मेडिकल, और ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके PCC चाहिए, और आपका जो होता है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा तो कॉल करके पूछ सकते हो डिटेल, अगर आपको कुछ नहीं समझ लगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।